इंस्पेक्टर विक्रम आया है। hey, इसको अंदर किसने आने दिया? दरवान दरवान दरवान। लगता है आपकी तरह आपका दरबान भी कम सुनता है। अरे कोई है क्या? मैं बाहर धमकी देकर आया हूं कि जो आदमी पहले अंदर आएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यहां पे क्यों आया है? आपसे ये पूछने कि आपने नटवर का खून क्यों करवाया? वही वो ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता तो नहीं था? या फिर आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं था उसके पास? मैं जानता हूं ये दो खून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस दिन नटवर का खूनी पकड़ा गया उस दिन ज्योति का असली खूनी भी मेरे सामने आ जाएगा। और हां, नटवर के खून का एक गवाह है मेरे पास, अरुण सक्सेना। उसने वो खून होते हुए देखा है। क्यों मामा ठाकुर, गले में रस्सी अभी से महसूस होने लगी? हम हिंदुस्तानी पुलिस वाले जहन्नुम तक उस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते जो इस वर्दी की बेइज्जती करता है, समझे? याद रखना। विक्रम, क्यों मेरी वजह से तुम अपनी वर्दी को खतरे में डाल रहे हो? मैंने मां से वादा किया मेरे दोस्त, तेरे साथ इंसाफ होगा, तुझे तेरी मोहब्बत मिलके रहेगी। मोहब्बत? मेरे दोस्त आग भी लगाती है उन दिलों को जिनमें मोहब्बत के चिराग जलते हैं। मैं जानता हूं। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ। किससे? सपना से। सपना? चौक है ना, दुनिया में एक ही सपना तो नहीं मेरे दोस्त? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हारी सपना के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ तुम्हारी है। और फिर तुम्हारे जैसी मोहब्बत तो जमाने में किसी ने नहीं किया मेरे यार। लेकिन इस वक्त वो मामा ठाकुर की कैद में है और मैं उसे वहां से नहीं अरुण, मैं उसे वहां से ले आऊंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारी वर्दी पे तुम्हारे दामन में दाग नहीं लगना चाहिए। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अपनी हवेली के बाहर पहरा बढ़ा दे। तूने मेरे घर को जलाया था ना, मैं तुझसे जुड़ी हर चीज को राख करता जा रहा हूं। हरामजादे, मैं तुझे बाबा, मैं तुझे भी जला दूंगा। भाई साहब, हम बर्बाद हो गए, वो हमें भी मार डालेगा। चलिए भाग चले। कहीं लगी तो नहीं ना? अरे पकले, ये बाजी में जीत के रहूंगा, अरुण को मैं मार के रहूंगा, हमारा धंधा फिर से खड़ा हो जाएगा। अब भी गाना गाने का शौक है ना, कि डर के मारे तुम्हारा। ए मामा, हम कह रहा हूं बिहार का शेर को चैलेंज मत करना। तो हमारा हुक्म है, सपना को टेकरी पे ले जाओ और गाना गा लो। बगैर पुजारी के गाना गाते ही 200 करोड़ की जायदाद हमारी हो जाएगी। जाओ। अब होगा चट गाना पट ब्याह सपना के संग। कमिश्नर, मामा ठाकुर हम एक आंधी से लड़ रहे हैं जो कहीं भी किसी वक्त आ सकती है, इसीलिए मैं अपनी निगरानी में आपको पुलिस गेस्ट हाउस भिजवाना चाहता हूं, वहां आप महफूज रहिएगा। ठीक है। मिस्टर विक्रम, अब आप उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विक्रम, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। ऐसी बात मत कर मेरे यार, मुझे वो सब याद है जो तुमने मेरे लिए किया। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। मैं तो कब से मां से कह चुका हूं, अब उसके एक नहीं दो बेटे हैं। विक्रम, लेकिन तुम्हारी ठीक होने की खुशी सिर्फ मुझे और मां को ही नहीं, किसी और को भी है, सपना को।
अरुण, पश्चाताप की आग में जलकर उसका प्यार और भी पवित्र हो गया। विक्रम, कहाँ है सपना? कैसी है वो? तू उससे मिलना चाहता है ना, तो भाग, भाग जा यहां से। विक्रम, वो लोग किसी भी वक्त तुझे यहां से ले जाने के लिए आ रहे होंगे। सख्त पैरा है बाहर, पर तू भाग। सपना कृष्ण मंदिर में तेरा इंतजार कर रही होगी।